अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि छह चीज़ों को दुनिया से उठा लिया जाएगा। जब याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजेगा और वो छह चीज़ों को ज़मीन से उठा ले जाएंगे। ज़मीन से उठा ले जाएंगे यानी कि ज़मीन से, ज़मीन वालों से पोशीदा कर दी जाएंगी, उनकी नज़रों से ओझल कर दी जाएंगी, उठा ली जाएंगी, उन्हें इन नेमतों से महरूम कर दिया जाएगा। और वो छह चीज़ें कौन सी होंगी? तो नाज़रीन, क़ुर्ब क़यामत में गॉग मैगॉग यानी याजूज माजूज के आने से पहले छह चीज़ें दुनिया से उठा ली जाएंगी और वह कौन सी होंगी? नंबर एक, कुरान मजीद। नंबर दो, तमाम उलूम यानी कि सारे का सारा इल्म, हर किस्म का इल्म दुनिया से उठा लिया जाएगा। नंबर तीन, हजरे अस्वद। नंबर चार, मकामे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नंबर पाँच, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत। और नंबर छः, पांच नहरें। वो पांच नहरें कौन सी होंगी, इसके बारे में भी आपको तफसील से आगाह करते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, अल्लाह ताला ने पांच नहरों को जन्नत से जारी फरमाया। सुभान अल्लाह। नंबर एक, जैहून। नंबर दो, सैहून। नंबर तीन, दजला। नंबर चार, फरात। और नंबर पांच, दरियाए नील। ये पांचों एक ही चश्मे से जारी हुए, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए जन्नत के उस चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत रख दिया और पहाड़ों से नहरों को ज़मीन पर जारी कर दिया, जिससे लोग तरह तरह के फ़वाद हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन, बड़ा अजब दौर होगा जब याजूज माजूज के निकलने से पहले दुनिया इन तमाम चीज़ों से महरूम हो जाएगी। ये छह चीज़ें जब ज़मीन से उठा ली जाएंगी तो गोया तीनों दुनिया की बरकतें रुए ज़मीन से उठा ली जाएंगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो और हमें दीन इस्लाम पर सही तरीके से चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।